तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला क्वेश्चन ही ये था, क्या स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर 85 मीटर हाई, देखो ना टॉप ऑफ द टावर 85 मीटर हाई से स्टोन को ऊपर फेंका गया है, रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, तो आपको कुल मिलाकर टोटल टाइम दे दिया ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी, और अगर ऊपर नीचे का टाइम है तो यू क्या लेना होता है, नेगेटिव, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 85 माइनस यू इंटू 5 सेकेंड, हाफ इंटू जी की जगह 10 ले लिया मैंने, 10 के वैसे लेते ही 9.8 लेते हैं, पर यहाँ ना वैल्यू बड़ी अच्छी थी 5 5, तो 5 और 10 का कॉम्बिनेशन ठीक है, तो माइनस प्लस 10 इंटू 5 का स्क्वायर, सॉल्व करके पहले यू निकाल लो, तो बॉडी यानी कि इस स्टोन को ऊपर फेंका था विद अ वेलोसिटी ऑफ 8, कोई डाउट इसमें। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड, तो ये यहाँ के रुक गया था स्टोन, फिर नीचे आएगा, ये हाइट क्या होगी, अब इसको फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 8, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में फाइनल 0, इनिशियल 8 है, 2 माइनस 10 माइनस 9.8 की जगह माइनस 10 और इनटू h, तो यहाँ से h आ गया, तो ज़मीन से हाइट कितनी है टोटल 85 में इस हाइट 3.2 को ऐड करके 88.2 का आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, तो पहले u कैसे निकला ये इंपॉर्टेंट है, u निकालना ज़रूरी है, और u निकालने के लिए मेरा शॉर्टकट ही चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं, नहीं तो भी करते रहो जर्नी डिवाइड करते रहो फिर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर इससे छोटा रास्ता नहीं होगा कोई भी, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं शॉर्टकट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द वेलोसिटी विद विच इट रीचेज द ग्राउंड, तो ये जब ऊपर जाके नीचे आएगा तो ज़मीन को हिट करेगा किसी वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन है, एक काम करते हैं टोटल जर्नी लेते हैं, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 0, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 0, और नीचे आने की वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो टोटल ये टोटल हाइट अभी कितनी निकाली 88.2, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से वी वेलोसिटी निकालनी है, वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू जी इंटू एच, वी आ गया आंसर, तो इतने वेलोसिटी से स्टोन ने इसको हिट किया, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, सारी गेम यू की थी, यू आ गया उसके बाद तो सारी जर्नी आई जाएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है ये पार्ट भी ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वो कह रहा है जी यहां से यहां आने में कितना समय लगा, तो इस जर्नी के लिए फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 8, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में a की जगह माइनस 9.8 या माइनस 10 टाइम आ जाएगा, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन था, उसके बाद तो एक एक करके जर्नी क्लियर होती जाएगी इसमें, ठीक। जैसे कितनों का हो गया, ये हो गया था आंसर आ गया, देखो एक रॉकेट है इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद रिजल्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक रॉकेट है ये रहा और वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन 10 है, अब कई लोग सोचते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस 10 लेंगे न्यूमेरिकली, ना रॉकेट इज नॉट थ्रोन, फर्क है थ्रो करने में फेंकना, विद सम वेलोसिटी, फायर्ड का मतलब गैस निकलेगी, इंजन लगा हुआ है, फ्यूल डला हुआ है, गैस छोड़ेगा आराम से उड़ेगा, यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 वेलोसिटी बढ़ते आराम से बढ़ाएगा, लेकिन फिर कुछ देर में फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर ग्रेविटी के अफेक्ट में आ जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ने की बजाय उल्टा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक मिनट में फ्यूल खत्म हुआ, तो जब ये चला तो वेलोसिटी क्या थी 0, एक सेकंड का मतलब 60, एक मिनट मीन 60 सेकंड में फ्यूल खत्म हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू u प्लस 8, u क्या है 0, एक्सेलरेशन प्लस 10 इंटू 60 600 मीटर पर सेकंड है, अब प्रॉब्लम है कि इसके बाद 600 के बाद फ्यूल खत्म हो गया, अब ये ग्रेविटी के इफेक्ट में फ्री उसमें आ गया, ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी, तो 600 500 400 करते करते मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या जाएगी 0, तो आप यहां पर एक्सेलेरेशन क्या यूज करेंगे माइनस 10, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है अंडर ग्रेविटी, तो डायग्राम क्लियर है,
आपको ये बताना है कितनी हाइट मैक्सिमम इसने अटेन की। तो ये हाइट क्या होगी, दिस हाइट प्लस दिस हाइट। तो ए बी पोर्शन के लिए आप अप्लाई करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए टी स्क्वायर एस निकाल लें, और इसके लिए अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू इंटू ए इंटू एस, हाइट आ जाएगी। दोनों हाइट को ऐड करें आंसर आ जाएगा। तो देखो नीचे वाले पोर्शन के लिए यू टी यू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सलेशन पॉजिटिव पुट करके हाइट आ गई। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस और एक्सलेशन माइनस टेन, यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगा, एक और एस आ जाएगा 18,000। तो रॉकेट का आधी जर्नी जो है, कुछ पार्ट ऑफ जर्नी जब तक फ्यूल है 18,000 मीटर है, फ्यूल खत्म हो गया तो भी 18,000 मीटर है और 18 किलोमीटर हो गए मींस, तो टोटल जर्नी ग्राउंड से कितनी होगी, 18 प्लस 18 36 किलोमीटर की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है? वो G9.8 के साथ होगा ना, वो G9.8 के साथ सही आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये एक बैलून वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था, एक बार रीड करना जरा क्या क्वेश्चन है। चलते बैलून में से स्टोन को ड्रॉप किया है। Stone is dropped from a balloon rising upwards with a velocity of 16 meters per second. तो स्टोन ऊपर जा रहा है 16 की स्पीड के साथ और चलते बैलून में से स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो स्टोन बैलून की वेलोसिटी ले लेगा कितनी, माइनस 16, मतलब ऊपर की तरफ 16 स्टोन की वेलोसिटी बैलून की हो जाएगी। आपको यह पता है कि टोटल टाइम 4 सेकेंड में स्टोन नीचे गिरेगा, मतलब ऊपर जाकर नीचे 4 सेकेंड में गिरेगा, कवरिंग अ हाइट ऑफ एच। तो एच बताना है क्या है, मैंने बता दिया, जब ये नीचे गिरेगा स्टोन के लिए क्वेश्चन लगाएं, एस की जगह एच है, वेलोसिटी माइनस पुट कर देना और टाइम की वैल्यू 4 है, सॉल्व करके एच आ जाएगा, एक ही गो में आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? हो गया था ये, तो माइनस याद आ गया था आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर एंड साइमल्टेनियसली एक और बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ड्रॉप का मतलब दोनों के लिए यू क्या है, जीरो। फिर वो कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद उनकी हाइट में डिफरेंस क्या होगा। तो दो मान लो 2 सेकेंड में इसने h1 डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकेंड में इसने h2 डिस्टेंस कवर किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो h1 आ जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू जी की जगह 10 पुट कर दिया 2 का स्क्वायर, ऐसे सेकेंड स्टोन के लिए भी 0 प्लस हाफ इंटू 2 का स्क्वायर, आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम ही तो आएगा। तो 2 सेकेंड में दोनों स्टोन कितनी दूरी कवर करेंगे, 20-20 मीटर। पर हाइट कहाँ से मेजर की जाती है स्टोन की, नीचे से, ग्राउंड से। तो अगर ये 20 मीटर है तो ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, 150 में से 20 गया तो 130 मीटर, ये 20 मीटर है तो 100 में से 20 गया तो 80 मीटर। तो स्टोन में डिफरेंस क्या होगा, 130 में से 80 गया तो ज़मीन से डिफरेंस क्या निकलेगा, 50 मीटर इज द आंसर। ठीक है, तो पहले ये हाइट निकाली ऊपर की, फिर इंडिविजुअल डिस्टेंस माइनस करके नीचे की हाइट आ गई, फिर नीचे की हाइट को माइनस कर दिया। तो स्टेप समझ में आ रहा है, सेम रिपीट करना है क्वेश्चन विद 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में h1 और h2 निकाल लेना, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, सेम ही आएगा 45 45। तो पहले स्टोन के लिए नीचे से डिस्टेंस क्या आएगा, 150 माइनस 45 जो कि क्या आएगा, 105, और दूसरे के लिए 100 में से 45 गया तो 55, दोनों स्टोन में दूरी आ जाएगी 50 मीटर। तो आंसर इसमें एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने? कोई
कोई डाउट इसमें? तो डिफरेंस ऑफ हाइट रिमेंस सेम, हो गया प्रूफ। और ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, पासिस 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड, 30 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में कवर करते हैं यहाँ से यहाँ 30 मीटर रास्ते में, तो आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पे ये डिस्टेंस है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। अगर मान लो एक स्टोन यहाँ पे आता है टी टाइम में, 1 सेकेंड बाद वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर T+1 टाइम पे। तो T की जगह क्या आ गया, T+1 आ गया, क्योंकि टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये डिस्टेंस 30 मीटर गिवन है, तो अगर ये डिस्टेंस टोटल निकाल लें कैसे, 0+ ½ × g × T+1 का स्क्वायर में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें, ½ × g × T का स्क्वायर, इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना गिवन है, 30। इसे पहले ओपन करके टाइम निकाल लेना। टाइम का मतलब है यहां से यहां का टाइम, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.56 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगा 0+ ½ g t स्क्वायर, 32.1 मीटर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? हाँ कर सकते हैं, पर वन लेके ठीक है, बहुत तो आ जाएगा, लेकिन फिर एस कैसे आएगा ये? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे किया? तो टी और T+1 ले लिया मैंने, तो मैंने इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करके आंसर आ गया, तो वहां से टी आ गया, फिर UT+ ½ AT² से एस आ गया। और नेक्स्ट है, 4 बॉल्स को घेरा गया 1 1 सेकेंड बाद। तो जैसे फर्स्ट बॉल को घेरा, वो यहाँ पर ज़मीन पे, वो कह रहा है कि जो फर्स्ट बॉल है वो 4 सेकेंड में आती है नीचे, तो जब ये 4 सेकेंड पे है, 1 सेकेंड बाद सेकेंड यहाँ पे होगी, 1 सेकेंड बाद थर्ड यहाँ पे होगी, 1 सेकेंड बाद फोर्थ यहाँ पे होगी, इन बॉल में डिस्टेंस निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप टोटल डिस्टेंस निकालने पहले UT+ ½ AT² टाइम की जगह 4 सेकेंड पुट करें, 0+ ½ g × 4 का स्क्वायर। फिर ऐसे आप H2 निकाल लें, 0+ ½ g × 3 का स्क्वायर। फिर H3 निकाल लें, 0+ ½ g × 2 का स्क्वायर। फिर 0½ g × 1 का स्क्वायर। तो सारी हाइट्स आ गई, फिर इस हाइट में से इस हाइट को माइनस करके ये डिस्टेंस, इस हाइट में से इस हाइट को माइनस करके ये डिस्टेंस, इस हाइट में से इसको माइनस करके इनका, तो बॉल्स का डिस्टेंस का डिफरेंस आ जाएगा। पहले बॉल की हाइट निकालनी पड़ेगी, H4, H3, H2, H1, फिर हाइट्स को माइनस कर करके उनके बीच में दूरी आ जाएगी, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो ये शीट्स मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं लेक्चर, गूगल ड्राइव एक बार जाके चेक करें, ये सोल्यूशन की शीट आपको उसमें मिल जाएगी।